बड़खल रोड स्थित आम आदमी पार्टी के जिला कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर हरियाणा में किसानों के समर्थन में निकाली जाने वाली यात्रा के बारे में खुलासा किया गया। बताया गया कि यह यात्रा हरियाणा की सभी 90 विधानसभाओं से होकर गुजरेगी। उन्होंने धरने पर बैठे किसानों से अपील की है कि उस यात्रा के समापन पर पहुंचे तथा सरकार के खिलाफ बजाए जा रहे एक बिगुल में हिस्सा ले। किसान खेत मजदूर बचाओ यात्रा के लिए किसानों को निमंत्रण भी दिया। मजदूर बचाओ खेत बचाओ किसान यात्रा निकाल रही है, कल रोहतक से सांपला से शुरू करेंगे सर छोटूराम की प्रतिमा से और 12 तारीख को पलवल में समाप्ति उसका 12 को यहाँ आएगी, 13 को शाम को वहाँ पर खत्म हो जाएगी पलवल। किसानों के साथ जो भारत सरकार अन्याय कर रही है, पिछले 8 महीने से किसान धरने पर बैठे हैं, जो 3 कानून है काले उनको वापस कराने के लिए और उनको बजाय वापस करने के नए नए कानून ला करके जो किसानों की ज़मीनों को भारत सरकार अंबानी अदानी को बेचने की योजना बना रही है, उसके विरोध में आम आदमी पार्टी किसानों के लिए इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए काम कर रही है। उनके हक में जो भी पलवल में लाठीचार्ज हुआ किसानों पर और एक गरीब किसान की उसमें मौत भी हो गई, उसके लिए आम आदमी पार्टी किसानों के लिए संघर्ष। लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि मिलने के बाद भी उनका दर्द सुन के और सिर्फ हम सहानुभूति व्यक्त कर सकते हैं, उसके अलावा हमारे हाथ में कुछ नहीं है, सरकार नहीं है, प्रशासन नहीं है, हमारे पास संसाधन नहीं है कि हम उनकी कोई मदद कर पाए। समझ रहे हो बात, कोर्ट में जा सकते हैं, जो खोरी में किया हमारे सांसद साहब ने क्या किया, एक वकील और अच्छे अच्छे वकील पकड़ कर हम कोर्ट तक भी गए, ठीक है, लेकिन कोई सरकार पर कोई असर नहीं होने वाला। मैं यही आपको बार बार कह रहा हूँ, हम जान दे देंगे तब भी कोई असर नहीं होगा। जन जागृत तो होगा ना, अगर चाहे वो किसान है चाहे मजदूर है चाहे कोई भी वर्ग है, उसे पता तो चलेगा कि हमारे अन्नदाता के साथ क्या हो रहा है, हमारा अन्नदाता कैसे परेशान है। वो जब देखेगा अन्नदाता की परेशानी तो अगले चुनाव में इस चीज़ का बदला लेगा। देखिए लोकतंत्र में एक ही हथियार है जो मशीन पर बटन दबाया जाता है और वही फैसला होता है, इसलिए हम जन जागरण कर रहे हैं कि देखो ये सरकार क्या कर रही है, अंग्रेजों से भी बुरा हाल कर रहे हैं।